हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह, आप लोगों का जीएस पेपर 1 के पॉइंट नंबर 1 जो हम कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के प्रारूप, तो इसी श्रेणी में इसी में हम लोग करने जा रहे हैं मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ जो कि उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नागर, बेसर, द्रविड़, इन सब शैलियों से आप लोग परिचित होंगे, तो इसी के बारे में आज हम करेंगे। जितना आज के लेक्चर में हो जाएगा उतना कंप्लीट करके और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर इसका कंटिन्यू करेंगे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंशियंट पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो इसको हमें पेशेंस से करना पड़ेगा। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत लेंदी लेक्चर जा रहा है, बट आप भी सोचिए कि एक एक पॉइंट मुझे यहाँ पूरा कराना है। कोई भी यहाँ पे मैं इसमें एक पॉइंट मिस नहीं करना चाहती कि आपका एक पॉइंट टॉपिक छूट जाए, इसलिए थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है बट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। आपको कहीं और किसी और बुक में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा डिस्क्रिप्शन सुनिए और मेरे पॉइंटर सुनिए, उसी को अपने नोट्स बनाइए, आपका प्रॉपर मेंस का सिलेबस यहाँ तैयार हो जाएगा UPSC के लिए। तो चलिए आज हम लोग करेंगे मंदिर वास्तुकला के विभिन्न शैलियाँ। हमने लास्ट टाइम में देख लिया था ये गुप्त काल में वास्तुकला और मूर्तियाँ देखी थी, और वास्तुकला में गुफाएं और स्तूप देखे थे। ये आप इसके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं सारी वीडियोज़ यहाँ अपलोड कर चुकी हूँ, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, वो सब आप देख सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो यहाँ करेंगे नागर शैली के बारे में। नागर शैली जो कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हिंदू जो मंदिर होते हैं उनमें जो मूल तत्व थे, मूल अवयव थे, वो निम्नलिखित थे। इन चार टाइप्स में हिंदू के मंदिरों को हमने डिवाइड किया था। ये आप देख सकते हो, गर्भगृह, मंडप, शिखर और वाहन, ये चार चीज़ें थी जिसके आधार पर हिंदुओं के मंदिर पुराने काल में बनाए जाते थे। तो सबसे हम चारों का मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, चारों क्या है आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है इसे। तो गर्भगृह क्या होता था, ये सामान्य रूप से छोटा सा एक कक्ष टाइप में माना जाता था जिसमें मंदिर का जो मुख्य देवता है, जैसे कि आप मान लो कि शिव जी के मंदिर में जाते हो तो शिव जी के मंदिर में जहाँ पे शिव जी की मूर्ति रखी रहती है वो एक गोला घेरा सा एक कक्ष टाइप में, मान लो एक रूम टाइप में बना होता है, तो उसे कहा जाता है गर्भगृह, जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ मंदिर मंडप कहते हैं। जो मंडप है वो होता था मंदिर का प्रवेश स्थल, जहाँ से मंदिर में घुसा जाता था। यह कोई द्वार मंडप या सभा भवन भी हो सकता था और इसे सामान्य रूप से बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान हेतु अभी, मतलब कि यहाँ पर बैठ के, जैसे आप देखा होगा सामने कक्ष जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं भगवान की, उसके सामने बहुत सारी जगह होती है जहाँ लोग बैठ के पूजा करते हैं, तो उसे मंडप कहा जाता था। सिंपल सी लैंग्वेज में ये होगा। यहाँ पे शिखर जो है ये पर्वत जैसा होता था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे शिखर माने कि जो भी मंदिर होता था उसके ऊपर का जो ऊपरी भाग होता था उसे शिखर कहा जाता था। इसका आकार जो पिरामिड हो सकता था, वक्र आकार का हो सकता था, बहुत बहुत तरह के शिखर बनाए जाते थे। उत्तर भारत के शिखर अलग होते थे, दक्षिण भारत के अलग होते थे, इन्हीं में हम लोगों को कंपेरिजन आगे देखना है। फोर्थ इसमें पॉइंट है वाहन। वाहन क्या होता था, ये एक प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता था। इसे पवित्रतम स्थल के ठीक सामने स्थापित किया जाता था। आप लोग जान सकते हो कि जैसे शिव जी हैं तो उनके नंदी हैं, तो उनको वहाँ पे सामने उनके स्थापित किया जाता था। तो ऐसे ही हिंदू जो मंदिर है उनके चार मेन जो ये अवयव हैं, चार मेन तत्व हैं, ये आप कह सकते हो ये हिंदू मंदिरों के थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ वास्तुकला की नागर शैली के बारे में। नागर शैली जो मुख्यतः हमारे इंडिया में 5वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई थी, और ये उत्तरी भारत में मेनली विकसित हुई थी नागर शैली। और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया, नागर शैली की विशेषताएं बताइए, नागर शैली के बारे में समझाइए। तो ये मैं जहाँ पॉइंट्स जो मैंने दिए इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 15 नंबर का, इसी को अपनी लैंग्वेज में आप लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। मंदिर वास्तुकला की नागर जो शैली हुई इसके अंतर्गत देश में पश्चिम में भी, मध्य में भी, पूर्वी भागों में भी, मतलब नागर शैली के भी ना कई पार्ट्स थे, तो उस पार्ट्स के बारे में भी हम शॉर्ट में डिस्कस जरूर करेंगे कि नागर शैली के अंदर और कौन कौन की शैलियाँ इंक्लूड थी। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागर शैली थी वो मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुई थी, यहाँ आप देख सकते हो,
और ये देश के पश्चिम मध्य और पूर्वी, मतलब कि मान लो इंडिया का नक्शा इस टाइप में कुछ बनेगा, तो उत्तर भारत यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया पश्चिम, यहाँ मध्य और यहाँ पूर्व, तो इस टाइप में ये तीनों में थी। दक्षिण भारत में नहीं थी नागर शैली, मतलब उत्तर भारत में तीनों हिस्सों में थी उत्तर के। यहाँ पर मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया था। इसके अंतर्गत जो होता है कि मंदिर में एक तो मुख्य देवता होते हैं, प्लस उनके साथ आपने देखा होगा बहुत सारी देवी देवता भी होते हैं, तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष होता था जहाँ से लोग अपनी पूजा पाठ करते थे। गर्भगृह के बाहर जहाँ पे मंदिर की मेन मूर्ति स्थापित थी, उसके बाहर नदी देवियों की प्रतिमाएं थी, जैसे गंगा की, यमुना की, इन सब की प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की गई थी। मंदिर जो परिसर था वहां जलाशय नहीं होता था नागर शैली में, ये चीज आप याद रखेंगे। द्वार के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, जब भी दरवाजे बनाए जाते थे तो वहां बहुत सारे स्तंभ जरूर लगाए जाते थे। और इसके अलावा यहाँ पर गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। आपने कई मंदिरों में आज भी देखा होगा कि जब भी बीच में एक मूर्ति रखी जाती है तो उसके चारों तरफ रोटेट करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता है कि हम चारों मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा सके या मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा सके, तो इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। मंदिर का जो परिसर था वो चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था और प्रवेश द्वार भी उसमें नहीं होता, प्रॉपर एक दरवाजा नहीं होता था, नॉर्मल एक स्तंभों से प्रवेश द्वार का आकार वहां पर दिया जाता था। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप देख सकते हो इसमें कि जो यहाँ प्रदक्षिणा पथ होता था वो ढका हुआ होता था, जैसे आप ये देख सकते हो, ये है नागर वास्तुकला का, ये चबूतरा होता था वहां पर एक जो ऊपर उठा हुआ होता था, यहाँ से आप अंदर घुस सकते थे। ये मेन मंदिर का गर्भगृह होता था, ये दरवाजा होता था, ये जो ये वाला पॉइंट है ये दरवाजा है यहाँ पे, और ये जो मंदिर का सबसे ऊपर पॉइंट है इसे शिखर कहते हैं। तो ये नागर वास्तुकला की जो है मेन ये टाइप्स है। चलिए देखते हैं, अब नागर वास्तुकला के अंदर तीन शैलियां मेनली आई थी, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है, मेन मेन कर लेना है। तो अगर उड़ीसा शैली की बात करें तो ये भी नागर शैली के अंतर्गत ही कही जाती है और ये पूर्व में आती है। आपने जैसे कि अभी पढ़ा था कि पश्चिम, पूर्व व मध्य तीनों श्रेणियों में नागर शैली आती थी, तो इसका आप यहाँ पर ये जो मैंने पीछे पिक्चर दिखाई है आप नागर शैली में ये रफली पिक्चर बना देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स देने वाला है। और इस पिक्चर में कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो बच्चों की ड्राइंग होती है उस टाइप से एक रफ पिक्चर पेंसिल से फटाफट से बना देनी है, और ये जो पॉइंट इसमें लिखे हैं ये ज़रूर आप लोग को उसमें लिख देना है ताकि उससे जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए आपका। चलिए देखते हैं उड़ीसा शैली के बारे में। तो उड़ीसा शैली में बहुत ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में ही सारे स्थित है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सब उड़ीसा शैली के अंदर ही स्थित है। और यहाँ आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं उड़ीसा शैली की, तो इसका जो ऊपर का आधारभूत ढांचा होता था, सबसे ऊपर एक कलश होता था, वो मेनली हम ज़्यादातर गोल होता था कलश, और कलश जिस चीज के ऊपर रखा जाता उसे अमलक कहते थे, और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे देउल कहते थे। और ये जो पिक्चर है ये भी आप उड़ीसा शैली में बना सकते हैं यहाँ पर। और उड़ीसा शैली में कोणार्क का पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो उसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसी नागर शैली की बात करें तो इसमें होता है खजुराहो की शैली, जैसे कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बहुत ज़्यादा विख्यात हैं जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, और ये शैली जो है वो चंदेल शासकों ने ही विकसित की थी खजुराहो की शैली, इसीलिए इसे खजुराहो शैली के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो मेन खासियत थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर, अंदर और बाहर दोनों पर ही बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती थी, जैसे कि आपने अगर किसी ने मंदिर देखा होगा तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जानते होंगे। और ये जो मूर्तियाँ होती थी ये कामुक शैली में बनाई जाती थी, कामसूत्र से प्रेरित होती थी ये जो मूर्तियाँ, खजुराहो शैली में मेनली ये चीज़ पाई जाती है। और खजुराहो के जो मंदिर थे वो बलुआ पत्थर से बनाए गए थे, इसमें मेनली तीन कक्ष होते थे, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप, ये सब होते थे। मान ली इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत जानने की जरूरत नहीं है। और ये मंदिर पूर्व मुखी और उत्तर मुखी दो ही मुखी में बनाए जाते थे, दक्षिण और पश्चिम मुखी मंदिर नहीं होते थे खजुराहो शैली के। इसके उदाहरण के रूप में आप कंदरिया महादेव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दो मंदिर लिख सकते हैं, यहाँ आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। चलिए इसकी थर्ड शैली की बात करते हैं, नागर शैली
के अंतर्गत जो तीसरी शैली आती है वो आती है सोलंकी शैली। सोलंकी शैली ये आती है आपके पश्चिम भारत में, जो कि गुजरात और राजस्थान के मोस्ट एरियाज में या पाई जाती है सोलंकी शैली। और सोलंकी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सोलंकी शासकों द्वारा ये संरक्षित की गई थी, उनके द्वारा विकसित की गई थी। इसकी भी ये जो दीवारें थी सोलंकी शैली की, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये नक्काशी रहित थी, दीवारों पे नक्काशी नहीं की गई थी और खजुराहों पे की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है यहाँ पर। और इस मंदिर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक विशेषता हम कह सकते हैं कि इस मंदिर में एक बावड़ी होती थी जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था। मतलब कि बीच में ना जलाशय होते थे सोलंकी शैली के अंतर्गत। जैसे कि आप मोडेरा का सूर्य मंदिर अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोलंकी शैली भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हमने देखा कि नागर शैली क्या है। नागर शैली पहले, सबसे पहले हमने देखा था हिंदू मंदिरों के मूल अवयव क्या होते थे, चार अवयव हमने उसमें पढ़े। उसके बाद नागर शैली पढ़ा, नागर शैली की विशेषताएं पढ़ी। नागर शैली के अंतर्गत तीन शैलियाँ इंक्लूड होती हैं जो हमने देखा। एक हमने खजुराहो शैली देखी, सोलंकी शैली देखी और हमने ये उड़ीसा शैली देखी। तीनों शैली यहाँ पर देखी और उसके हमने एग्जाम्पल देखे। आप मेनली एग्जाम्पल इसे, जैसे आप एक टेबल बना के, ये टेबल यहाँ पे आप लिखो उड़ीसा शैली, यहाँ लिखो आप खजुराहो शैली, यहाँ लिखो सोलंकी शैली और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे दो। इससे ज़्यादा नागर शैली में आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग से आ जाता है तो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा पॉइंट पूछ लेंगे। तो सोलंकी शैली के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको जो जो मैंने पॉइंट बताए सिर्फ उतना लिख दीजिए, उतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम द्रविड़ शैली और नायक शैली के बारे में बात करेंगे। ये शैलियाँ बहुत लंबी है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा आराम से करा रही हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा आप ये ना होइए कि कोर्स जल्दी कंप्लीट कराने से मतलब नहीं है, कोर्स अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी मैंने लेसन्स कराए हैं आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पेशेंस के साथ कराएं कि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इन शैलियों के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है, कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको मेरी और सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।